भाई यहाँ तो काले भालू भी है। ओहो भाई निशान है यहाँ पे, 30 फुट डीप है, वहाँ पे क्लिफ है कुछ, वहाँ से लोग जंप करते हो। मुझे भाई बच गया, बच गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज है संडे 15th of January और मैंने कल आपको ब्लॉग में स्पॉइलर दे दिया था भाई, 2-3 पिक्स दिखा के कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जगह का नाम तो मैं अभी बता नहीं रहा, और भाई आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ स्किप मत करना भाई। ये रात ही मेरा एकदम से प्लान बना मैं कहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। नॉर्थ वैंकूवर जा रहा हूँ मैं, और भाई इतना मैंने बैग में सामान पैक्ड है मेरे, क्योंकि मेरे को लगा बस आ गई, क्योंकि भाई फूड सप्लाईज मैंने रख लिया, पूरा दिन लगेगा। चावल ले लिए, पीनट बटर ले लिया मैंने, बनाना ले लिए, और कपड़े भी ले लिए, नॉर्थ वैंकूवर ठंड होती है, कपड़े इन द सेंस ग्लव्स कैप वगैरह ले लिया, छाता ले लिया, पूरा तैयार हूँ जाने के लिए। इतनी एक्साइटमेंट है ना, मम्मी को मैंने बताया यहाँ जा रहा हूँ, मम्मी ऐसे थी, यही डर था मेरे को तो ऐसी जगहों पे आएगा भाई, मतलब ओहो यार यहाँ से चलते हैं। अभी 2 घंटे का सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, पहले बस फिर ट्रेन, उसके बाद 2 बसेज और बदल दिया है, फिर 2 घंटे में जाके वहाँ पहुँचूंगा। तो गाइस फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन आ चुका हूँ। भाई क्या रास्ते थे और इतने बढ़िया भाई, मतलब मान लो कि ऊपर स्काई, बीच में बादल गिर, नीचे पहाड़, लिटरली डिफ्रेंशिएट हो रहा था। और अब मैं फाइनली रिवील करता हूँ मैं कहाँ आया हूँ, नॉर्थ वैंकूवर में। भाई साहब सामने बोर्ड लगा हुआ है, और अभी 400 मीटर का ट्रैक के ऊपर भाई मैं आया हूँ लिन कैनियन पार्क। यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज है, 30 फुट पॉन्ड है एक, यहाँ पे 2 वाटरफॉल्स है, और भी एक दो चीज़ें हैं। तो ये कुछ अभी व्यू है यहाँ पे, मतलब अभी तो यार आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे। और यार अभी तो ना ट्रैक पड़ा है 100 मीटर और अभी से मुझे वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, शायद आपको नहीं, एक बार सुन के देखो भाई, वाटरफॉल की आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही है, मतलब ओहो है यार, इतनी इतनी शांति है ना भाई यहाँ पे। मैं तो एक तो कोई है ही नहीं, मज़ा आ रहा है, मतलब लोग तो हैं ऑब्वियसली, पर बहुत शांति है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी भी ट्रैक जा रही है, ओहो थोड़ा थोड़ा तो साइडों में दिख रहा है यार, अभी ना पेड़ है, आपको पता नहीं लग रहा, आप समझ नहीं पा रहे भाई, अभी भी पेड़ है। तो चलते हैं, अब ऑफ रोडिंग शुरू हो रही है यहाँ से भाई। यहाँ तो काले भालू भी है, ओहो, और वो नीचे दिख रहा है आपको कुछ, वो बीच में रिवर है यार, ओहो वाटरफॉल, और ओहो भाई देखो इधर इधर जाने मैंने, 90 फुट पॉन्ड भी है, ट्विन फॉल्स ब्रिज है। तो ये मेरा आज पूरा रास्ता होने वाला है, और क्लिफ यार हद है भाई, ओहो मज़ा आने वाला है, देखते भाई सब कुछ। आ जाओ भाई, फर्स्ट वाटरफॉल, और ये रहा सस्पेंशन ब्रिज। ओ भाई साहब, भाई फाइनली बीच में आ गया हूँ। ओ भाई डर भी लग रहा है, तो कर रहा हूँ बहुत। ओ यार ये देखो, ओहो डेप्थ देखो यार, ओ भाई ये देखो, ओहो भाई साहब, भाई क्या ही देख लिया आज, वो देखो। ओ यार भाई नीचे जाने की तो हिम्मत ही नहीं है, इतना फ्लो, इतना ज्यादा भाई। ये इसे कहते हैं लिन कैनियन सस्पेंशन ब्रिज, आज उस साइड चलते हैं। तो उस साइड तो सस्पेंशन ब्रिज था, अभी इस साइड में ट्रैक पे जा रहा हूँ, रास्ता तो उधर भी है वैसे तो, पर समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए, क्योंकि भाई पार्क बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। अभी तो मम्मा का वीडियो कॉल आया था, तो मैंने कहते हैं ध्यान से घूम ये वो, अब मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ, जो यहाँ पे ट्रेल है ना मैं वहाँ पे जा रहा हूँ यार, मतलब भाई ओहो कसम से, ब्यूटी ब्यूटी वर्ड्स नहीं है यार, इतना बढ़िया भाई, देखना कितना प्यारा बनाया हुआ है यार, कितना ज़्यादा भाई। आप भी सिनेमैटिक इन्जॉय कर ही रहे होगे, कोशिश तो मैं पूरा कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर हो जाए, ऐसी चीज़ें कैप्चर नहीं होती भाई बाद में, क्योंकि बस पक्का रास्ता ख़त्म, कच्चा रास्ता शुरू हो रहा है यहाँ से। तो ये मैप लगा हुआ, मैं बोर्ड के सहारे ही घूम रहा हूँ भाई, ये तो मैं घूम ही हो जाऊँ, यहाँ पे रास्ता दिख रहा है, यहाँ चलते हैं। इधर अपना जो ट्विन फॉल्स है ना, उसका सस्पेंशन ब्रिज है, वो वाला लिन कैनियन सस्पेंशन ब्रिज है, यहाँ पे पाइपलाइन ब्रिज भी है, वो एक पाइप के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा। पूरा दिन भाई 4-5 बजे तक घूमने का प्लान है, खाना खूना मैं सब लेके आया हूँ। और ठंड है भाई यहाँ पे, सही में ठंड है, मैं वैसे ही मेरे को पता था नॉर्थ वैंकूवर तो होनी है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो मैं अपने ग्लव्स कैप वगैरह सब ले आया था। चलते हैं भाई ट्रैक करते हैं यार, मज़ा बहुत आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। जो कैनेडा है ना मैं प्रेफर करूँगा भाई, ज़रूर आना ही, देखना रास्ता देखो यार, और नीचे डेप्थ में जा रहा हूँ मैं। भाई रास्ता भी जा रही है, एक तो वुडन प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और एजेंडा हमारा ये आज देखना, हम 30 फुट पूल भी देखेंगे, 90 फुट पूल भी देखेंगे, क्लिफ भी देखेंगे,
सस्पेंशन ब्रिज एक देख लिया, पाइपलाइन ब्रिज भी देखेंगे, अभी एक यहाँ पे ब्रिज है ट्विन फॉल्स ब्रिज, वो भी देखेंगे, सारा एक्सप्लोर कराऊंगा। और ये ब्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा मुझे लग गया है पता, क्योंकि भाई देखने को बहुत कुछ है। मतलब मेरा 1-2 किलोमीटर तो यहीं चलना हो जाएगा। और भाई इतनी शांति वाली जगह है ना भाई, कोई नहीं है, पानी की आवाज़, नेचर की आवाज़, मैं ही बोल रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ, बहुत बढ़िया जगह है, ज़रूर आओ। तो इतनी हरियाली भाई, इतनी ज़्यादा, मतलब वर्थ लगता है भाई, वर्थ लगता है। और ना मैं आपको बाद में इस ट्रिप का खर्चा भी बताऊंगा, मेरा खर्चा कितना आया वो भी सुन के आप हैरान हो जाओगे भाई कि ये बंदा ऐसे कैसे घुमाया, तो वो भी बताऊंगा आपको, बने रहो व्लॉग में। तो गाइस मैं ट्विन फॉल्स आ गया हूँ, और यहाँ पे एक बात और इंटरेस्टिंग पता लगी है कि भाई ये जो आपको रॉक्स दिख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ये रॉक्स भी छुपे होते, इतना पानी का फ्लो था यहाँ पे 2 दिन पहले। और इतनी ऊंची इसलिए बोलना पड़ रहा है भाई क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है पानी का, नीचे फॉल देखो भाई, ओ नीचे यार, मतलब भाई इतना डेप्थ है इसकी, इतनी ज़्यादा। ये वो ट्विन फॉल्स का ब्रिज है, देख लो आप, और यहाँ से एक वाटरफॉल एक वहाँ पे भी है, यहाँ भाई ये क्या व्यू है यार, अल्टीमेट व्यू भाई, अल्टीमेट अल्टीमेट यार, मज़ा आ गया भाई। वैजा मैं ना वो फॉल से चल के ना थोड़े सुनसान इलाके में आ गया हूँ, रास्ता तो है ऐसे नहीं, ट्रैकिंग कर रहा हूँ भाई, इलाका देखना ज़रा, मैं तो भूल ही गया यहाँ पे तो ग्रिजली बियर भी है भाई, गलती में पाला पड़ गया, करूँगा कि मेरे बैग में तो एक वॉलिनी स्प्रे पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं वॉलिनी स्प्रे बनाया था, मैं तैयारी से आया था पूरी, मैं कुछ नहीं होना चाहिए आज। ओ भाई कोना, वेलकम टू वाइल्ड विच हिमांशु पर भागकर मजे करते हैं। मैं डरता डरता आ गया, आ गया, ऐसे डर तो है दिल में, झूठ नहीं बोल रहा, पर यार अभी ना यहाँ से एक लोग पास होते तो मेरे दिल में शांति आ गई कि मैं गलत नहीं हूँ भाई, बाकी लोग भी नीचे जाके आए हैं। और मैं नीचे पानी की तरफ जा रहा हूँ अब, वहाँ रिवर साइड पे बैठ के करेंगे नाश्ता, मतलब वो आफ्टर ब्रेकफास्ट वाला जो हिसाब होता है, नाश्ता तो मेरा हो गया सुबह ही, वहाँ बैठ के वो करेंगे भाई। यहाँ से ना गोरे पास हो रहे थे, मैंने पूछा आगे कुछ है, कहता ट्रेल्स है, मैं कहा कोई डेंजर तो नहीं है जानवरों का, मेरा नो 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 बेस विद जस्ट मेरा टाइगर, मेगा टाइगर भाई, टाइगर छोटी चीज़ होती है, कहता टाइगर दिखा मेरे को, हद है भाई, कहता ट्रेल से आगे, मेरा तो बस मन खत्म हो गया। मैं तो मेरा प्लान है थोड़ा रिवर के पास जाके ना, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा बैठ के वापस निकलूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है भाई पहाड़ों में घूमने का, वो पाला वाला कोई है भी नहीं साथ, छापा ही तो ये है सारा, कोई साथ है नहीं है, तो चलते हैं। और यार एक बार तो और आऊँगा भाई यहाँ पे दोस्तों के साथ, पर ट्रैकिंग करनी है भाई, और रिवर आ गया, और यार मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा भाई कोई रिवर के पास जाए, जैसा उन्होंने बोला पानी का लेवल इतना हाई था, पता थोड़ी लगता है भाई हो जाए भय भू जाए कहीं, तो चलते हैं थोड़ा सा ट्रैक करते हैं, उसके बाद ऊपर निकलेंगे 30-foot pool की तरफ। तो यार मैं ना आया था अपने रिवर की तरफ, ये देखो भाई निशान है यहाँ पे, इंसान के पैर के भी हैं यहाँ पे, जानवर के पैर के भी हैं, मतलब यहाँ पे जानवर तो आते हैं, कुत्तों के लग रहे हैं वैसे तो, मैं कह रहा हूँ ना इन टू द वाइल्ड। ये देखो पानी आ गया यहाँ पे, बैठने का मेरा कोई प्लान नहीं है, बस व्यू देखने आया था मैं आस पास से देखे जा रहा हूँ, मैं बहुत डर लग रहा है भाई, मेरी डैश हो रखी है हाल देखता भाई, क्योंकि पानी के आसपास तो जानवर आएंगे पानी पीने, तो इसलिए मेरी ना बहुत डर लग रहा है मेरे को, तो आगे पीछे देख ही जा रहा हूँ कहीं कुछ आ ना जाए। तो गाइस उधर से चल के ना मैं थोड़ा आगे आ गया था, ये रास्ता है, और भाई इसके आगे भी ट्रेल्स है, पर मैं यहीं रुक रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे खाऊंगा पीऊँगा रॉक्स पे बैठ के, और डर इसलिए भाई आप आगे इलाका देखो बहुत घना हो रहा है, और इधर भी ना यार मतलब इंसानों के जूतों के इंसान तो इंसानों के जूतों के पैर के निशान तो हैं, पर देख लो गिल्ले रॉक्स हैं, मतलब भाई यहाँ पे फ्लो बढ़ता है, तो कोई रिस्क नहीं लूँगा मैं, पर आगे नहीं जा रहा भाई, डर है यार ड्राइविंग क्यों पंगा लेना है कल्ला होना इस वजह से, तो यहीं बैठेंगे, आप यहाँ पे व्यू इन्जॉय करो, सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो, मैं थोड़ा बैठ के खाता पीता हूँ यहाँ पे, चावल पीनट बटर बनाना मेरे पास बहुत कुछ है। तो गैज मेरा ना प्लान तो नहीं था आगे जाऊँ, पर मैं जा रहा हूँ क्योंकि भाई एक फैमिली सामने जा रही है, उनके पीछे पीछे तो घूम भी आऊँगा, कल डर लगता है, तो चलते आगे, खाना वगैरह खा लिया, पेट भर लिया। तो गैज रास्ता जा रही है और प्लान चेंज हो चुका है सारा, वो टॉप तक जाऊँगा, तो मैंने अभी मिले थे एक और गोरे टाइप्स लोग मिले, मैंने पूछ लिया मैं जानवरों का खतरा, कहते कोई खतरा नहीं है टॉप से ही आ रहे हैं, जाओ ऊपर टॉप तक जाओ, बहुत मज़ा है, बहुत बढ़िया व्यू है। गैज अगेन चेंज इन प्लान, मैं नीचे जा रहा हूँ, बैक चुका है, आपको पीछे अभी दिख रहा होगा ना एक अंकल आ रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को मैप में सारा समझाया कि क्या सब कैसे है यहाँ पे, तो मुझे ओ भाई बच गया, बच गया, हाँ तो उन्होंने मेरे को सारा समझाया,
वो बोल रहे हैं कि ऊपर सिर्फ ट्रैकिंग है, अगर आपने साइट सीइंग करनी है बढ़िया है, ऊपर पर कोई पॉइंट नहीं है जाने का, वैसे घूमने चले जाओ। पर जैसे मैंने 30 फुट पूल भी देखना है, 90 फुट पूल भी देखना है, तो कह रहे हैं आप वापस जाओ उधर आपको ज़्यादा दिखेगा, कभी फ्री हो गए तो पूरा दिन यहाँ पे हाइकिंग करने आ जाना। मेरे को बात ठीक लगी उनकी, मैं वापस निकल रहा हूँ अब। अभी बहुत बड़ा है, मैप में तो मैंने देखा हद होगी भाई, इतना बड़ा ट्रेल, इतना बड़ा किलोमीटर के अंदर ही है भाई ये ट्रेल, इतनी खड़ी चढ़ाई ऊपर से। तो मैं वापस 90 फुट पूल की तरफ जा रहा हूँ। तो गाइस बहुत बुरी हालत हो रही है, वहाँ से चलते चलते ऊपर तो आ रहा हूँ, 200-300 मीटर आ चुका हूँ, उसमें भी हमारी हालत हो गई है। और भाई एक दिन में घूमने वाली चीज़ नहीं है ये, मेन चीज़ें देख लो, एक दिन में आना अगर पूरी ट्रेल नहीं घूम सकते, बहुत सारा बड़ा रास्ता है यार, पसीना आ रखा है पूरी बॉडी में, पर जैकेट उतार नहीं सकता, ठंड लग जाएगी भाई। ओह पता तो समझ नहीं आ रहा सस्पेंशन ब्रिज से नीचे गया क्यों, विनफॉल तक देखा था, उसके बाद तो बेवकूफ़ी करी भाई, पता ही नहीं था ना। तो और पूल के तरफ जाते जाते एक और जगह आ गया है भाई, ये एक और रिवर जा रही है, वही रिवर है, मतलब अलग अलग एंगल से व्यू है। तो ये और मैं तो भाई पत्थरों पे खड़ा हुआ हूँ, तो एडवेंचरस तो मैं हूँ ही हूँ, ऐसे कहाँ हरकतें मैं करते रहता हूँ। तो चलते हैं, वो सामने ट्रेल जा रही है, वो अंकल जा रहे हैं बाय। तो गाइस 30 फुट पूल आ चुका हूँ भाई, यहाँ से लग रहा है ये देखो, अब देखना पत्थरों, देखो नीचे भाई 30 फुट डीप है, वहाँ पे क्लिफ है कुछ, वहाँ से लोग जंप करते हैं, ये देखो इसकी डेप्थ देखो भाई, हो दूर से लगा, देखो नीचे बिल्कुल गहरा है नीचे, यू कैन गो पास नो प्रॉब्लम। हाँ तो देखो मेरे वो डॉग्स भाई बिल्कुल नहीं डरते ये डॉग्स, देखना अभी नीचे घुस जाएगा वहाँ पे एक होगा। तो वैसे 30 फुट पूल से तो मैं आ गया हूँ भाई, रश ही बहुत था वहाँ पे, गोरे तो भाई हद है, अभी भी नहा रहे थे भाई, और डॉग्स थे ना जिनको स्विमिंग आती थी, मैंने पूछा था भाई देख लो डॉग्स स्विमिंग आते हो, तो बेचारे को ठंड लग रही थी इसलिए बेचारा गया नहीं काफ़ी भाई। और आपको नहीं समझ आएगी उसकी डेप्थ, मेरे को ही नहीं आ रही थी भाई, वो 30 फुट है स्विमिंग, वो पत्थर के साथ वो गहराई है ना, और स्विमिंग अलाउड है उसमें, गर्मियों में लोग करते अभी भी कर ही रहे थे, तो काफ़ी बढ़िया जगह लगी। अब मैं जाऊँगा 90 फुट पूल की तरफ, मुझे पता नहीं सही रास्ते पे हूँ नहीं हूँ, चलते हैं, बहुत कच्ची हालत हो रखी है। अभी तो 11:40 हुए हैं, 1.5 घंटे में मेरा काम हो चुका है, और शाम तक रुकेंगे भाई यहाँ पे आराम से। भाई 90 फुट पूल तो आया नहीं, पाइपलाइन ब्रिज आ गया ये है, वो देखो पाइप लगी है ना उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, अब तो ये बंद कर दिया भाई क्योंकि रिस्की है, लग भी रहा है रिस्की, ऐसे पाइप के ऊपर ब्रिज बना दिया इन्होंने, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये नीचे तो है ही है भाई। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, सारा कुछ देख लिया भाई, यहाँ पे 90 फुट पूल मेरे ख्याल से है ही नहीं, पता नहीं उधर लगाया तो हुआ था, मैं तो पूरी ट्रेल से आया हूँ, पूल है नहीं है, और अब मेरा प्लान बदल रहा है भाई, शायद घर जाने का बन रहा है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, देखता होगा कोई स्पॉट मिला बैठने लायक तो बैठ जाऊँ, नहीं तो भाई बारिश शुरू हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है अब रुकने का। वैसे मैंने 30 फुट पूल बैठा था, और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा चेंज है भाई, ये वो पूल तो है ही, ये पूल भी है पर 30 फुट पूल नहीं है, 30 फुट पूल ये बीच में है, वो उधर दिख रहा है ये बीच में 30 फुट है भाई, वो साइड में दिख रहा है उधर ना कम कह रहा है, जैसे ही आओगे 30 फुट हो जाते हैं, तो ये 30 फुट है, हम लोग नहाते देखे मैंने, तो मेरे को समझ आया ये 30 फुट पूल है भाई, गोरों की हिम्मत है, मतलब कसम इतना ठंडा वन लाल होके निकले बाहर नहा रहे हैं भाई, फिर भी ओहो यहाँ बैठा मैं पत्थरों पे, 2 केले खाए हैं मैंने, थोड़ी जान आई है, अब तो बारिश भी रुक गई है, तो मैं सोच रहा थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। तो वैसे यहाँ से देखो, ये देखो इधर तो ये कम कह रहा है ना, वो आगे जाके देखो कितनी डेप्थ हो रही है, आप नोटिस कर पा रहे होगे भाई, तो ये है वो 30 फुट पूल, यहाँ से जाते रहते हैं, वो बीच में बिल्कुल गहरा हो जाता है वहाँ पे, तो ये कुछ व्यू है यार, निकलना पड़ेगा इधर से, बारिश ने अपना कहर बरसाना फिर शुरू कर दिया है, और अब तो पहले से तेज़ हो रही है, घर 2 घंटे दूर है, मैं रिस्क नहीं चाहता भाई कि मैं भीग जो ऊपर से फिर बीमार पड़ूँ, मेन चीज़ें तो मैंने घूम ही ली है भाई, यहाँ आप 2 दिन लगाओ 4 दिन लगाओ ये ख़त्म नहीं होना, क्योंकि ट्रेल्स है मेन, यहाँ पे साइट सीइंग है, सस्पेंशन ब्रिज, पाइपलाइन ब्रिज, ट्विन फॉल्स ब्रिज, 30 फुट पूल, चारों चीज़ें देख ली मैंने, ट्रेल्स आप पहाड़ जितने मर्जी चढ़ते रहो नेवर एंडिंग है, तो मेरा प्लान चेंज हो चुका, चलते हैं। तो वैसे मैं ना पार्क से बाहर आ गया हूँ, और भाई सही बताऊँ रुकने का कोई तुक नहीं था भाई, मतलब आप मान लो जब मैं आया ना सस्पेंशन ब्रिज आपने भी देखा था, खाली कल्ला मैं, अब मैं वापस आया हूँ ना जब पूरा ब्रिज भरा हुआ पूरा भाई, बंदे की खड़ने की जगह नहीं है, गाड़ियों के रस्से देख के समझो, आगे पार्किंग है, एक पार्किंग खाली, आगे जो पार्किंग वो भरी हुई है भाई, मैं तो सजेस्ट करूँगा जो आ रहा है ना अपना 6 बजे खुल जाता है पार्क, 8, 9, 10 बजे आ जाओ, उसके बाद तो भाई 12 बजे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने सारी मेन चीज़ें देख ली, तो अब मैं घर की साइड निकल रहा हूँ, प्लान तो भाई मेरा भी था, मैंने आपको बोला भी था कि शाम तक रुकूंगा, पर भाई कोई सेंस तो रुकने की, कोई तो किन था रुकने का, बारिश देखना इतनी तेज़ हो रही है अब भी, बस मिल जाए वही बहुत है, तो
तो घर चलता हूँ। और इस ब्लॉग की एडिटिंग में मेरा भाई तेल निकलेगा कसम से, मतलब मैं निचोड़ दूंगा भाई, मैं इतने शॉर्ट्स हैं, इतने 100 वीडियो के आसपास जाएंगी इसमें, तो घर जाके ये ब्लॉग एंड हो जाएगा भाई, क्योंकि मेरे को एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं घर की तरफ, देखते बस मिलती है, मिल जाएगी मतलब। पर अब ये देखो रश, देखो पार्किंग का भाई, ये पार्किंग 1 है 2 3 4 भी भरी हुई है ऐसी, इतना ज़्यादा रश है। और भाई सजेस्ट करो, बहुत बढ़िया जगह है। खर्चा मैं आपको घर जाके बताता हूँ मेरा कितना खर्चा है यहाँ पे, तो फिर आप हैरान हो जाओगे सुनते भाई। तो भाई 2 घंटे सफ़र करके मैं अपने घर की साइड तो आ गया हूँ। और भाई सफ़र मेरी सोलो ट्रिप, मैंने ऋत्विक को सुबह बोला, मैं कहा यार प्रॉब्लम पता क्या है, जब भी मैं कुछ अच्छा सोचने जाता ना मेरा पुट्ठा बहुत जल्दी होता है, तो मैं कहा यार कुछ गलत ना हो जाए इतनी दूर जा रहा हूँ। तो भाई लेकिन सब सही रहा, टाइम से आ गया। और अब करते हैं खर्चे की बात, मेरा कितना खर्चा है इस ट्रिप पे, ठीक सही बताऊँ यार। देखो आना जाना, पार्क की भी टिकट होती है, खाना पीना, टोटल मेरा खर्चा आया अप्रोक्सीमेटली $0। हाँ भाई वैसे फ्री में घूम के आया हुआ है, ट्रांजिट तो मेरा फ्री है ही है, कॉलेज की तरफ से पास बना हुआ है भाई, पार्क की कोई टिकट नहीं दी, फ्री में था। खाना मैं जान के लेके गया था, मेरे को पता था भूख लगनी है, मैं जान के ले गया था, देख फ्री में घूम के आया हूँ भाई, माड़ी बात है कोई बाहर खाना खूना खाता। वैसे भी जॉब तो लगी नहीं है, मेरे को ये था कि जॉब लगी नहीं है यार, कहीं तो घूमने जाना है, फ्री में घूम के आते हैं। पहले मैं कैपिलानो जाने लगा था, वहाँ पर $100-150 लगते मेरे, तो इसलिए देख लो मैं फ्री में घूम के आ गया। मैं स्टूडेंट्स को तो ज़रूर रेफ़र करूँ भाई, घूमाऊँ, बहुत बढ़िया जगह है ऐसे, और खाना खूना ले जाना अपना, जगह भी बहुत शांति के स्पॉट से, बेंचेस भी लगे हुए हैं वहाँ पे, तो फ्री में देखो घूम के आ गया हूँ। तभी मैं जान के कल्ला भी गया था, मैं किसी को लेके जाता वो लगने थे मेरे पैसे, मैं जान कल्ला ही गया, मैं बीयर की तो वैसे जॉब ही थी, कल्ला मिनी सोलो ट्रिप हो गया मेरा, बहुत ही माइंड फ्रेश हो गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आज दिन रहा मेरा, ज़रूर जाके आना। तो यार कल वैंकूवर जाना ना, आई मीन कॉलेज एक क्लास है, तो मैं सोच रहा हूँ रिज्यूमे निकलवाया हूँ अपने भाई, 20 तो ख़त्म हो गए, 20 और निकलवाने अब जा रहा हूँ, कल चक्कर लगा कहीं पे दे देंगे फिर। और भाई मैंने आपको कहा था इंस्टा पे फॉलो कर लो, देख लो जो इंस्टा पे थे उनको पता था मैं लिन कैनियन गया हूँ, बेचारों ने पूरा मज़ा लिया है, सारी चीज़ें देखी मैंने क्या क्या किया है, आप लोग इतनी लेट देख रहे हो 2 दिन बाद, दिल से दर्द होता है मेरे को, इसलिए वही इंस्टा पे फॉलो कर लो यार, ऐसे ना करो यार। ये तो फिर पॉपट हो गया, आज फिर दुकान बंद है भाई, ये क्या सीन है, लगता है अंकल जी भी अपना संडे बना रहे हैं, चलो कोई ना क्या कर सकते हैं, लेकिन भाई आप जो कर सकते हो वो कर नहीं रहे हो, आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ही लाइक नहीं आते हैं भाई, ऐसे गलत बात है, आप वीडियो देखते हो मेरे अच्छे व्यू आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, दिल से शुक्रिया उस चीज़ का, लेकिन लाइक भी कर दो, एक छोटा सा कष्ट और कर दो, लाइक कर दो वीडियो को भाई, आप भूल जाते हो, कोई ना मैं याद कराने के लिए बैठा हूँ, जल्दी लाइक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दे, दिल से अच्छा लगता है भाई। आज भी मैं सुबह सो के उठा, 3 बड़े हुए थे, बहुत मोटिवेटिंग लगा, मैं खुशी खुशी घूमने गया, तो बहुत मोटिवेटिंग लगता है, सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से जल्दी। वैसे मेरी ना सुबह मुंबई से बात हो रही थी और एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी भाई, मेरे हिसाब से तो मेरे कपड़े जो मैं छोड़ के आया हूँ मेरा भाई पहन रहा है, भाई ही पहन रहा है, जरा देखो आप ये भाई मेरे कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहा है भाई ये, तो चलो कोई ना। और भाई अब ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं, एडिटिंग करनी है मैंने, बहुत लंबा काम है भाई, जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।